अगर आपने फिल्मोरा से किसी म्यूजिक को ऐड किया है तो आपके म्यूजिक के ऊपर कंटेंट आईडी क्लेम आया होगा। अब ये कंटेंट आईडी क्लेम क्या है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब भी आप वीडियो अपलोड करो तो हमेशा अनलिस्टेड मोड में ही करो, क्योंकि ऐसे कॉपीराइट क्लेम आए तो फिर आपके वीडियो के ऊपर वो इफेक्ट ना करें। तो इसके लिए आपको कॉपीराइट के ऊपर क्लिक करना है और सी डिटेल के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद जो भी आपकी कॉपीराइट है उसकी डिटेल आ जाएगी। नॉट इफेक्ट है कंटेंट आईडी क्लेम के ऊपर, बिकॉज ऐसे क्लेम आते हैं तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट आपके कंटेंट की रीच में नहीं आता, ये कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है। तो सिलेक्ट एक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप ये जितने भी ऑप्शन है वो आप कर सकते हो। अगर आप इरेज सॉन्ग करोगे तो आपका जो साउंड है वो रिमूव हो जाएगा, बट बाकी का सब एज इट इज रहेगा। तो ये ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो इसको। तो हम तीनों ऑप्शन को वन बाय वन देख लेते हैं। अगर ट्रिम करना है तो उसके अंदर ट्रिम हो जाएगा वो पार्ट, और वो पार्ट को आप रिमूव कर सकते हो। डिस्प्यूट क्रिएट करना है तो आप 100% श्योर हो कि आपने ही म्यूजिक बनाया है तो ये आप डिस्प्यूट करना, अदरवाइज ये मत करना गलती। आप यहाँ से रिप्लेस सॉन्ग कर सकते हो फ्रॉम द ऑडियो लाइब्रेरी, सिलेक्ट करो, कंटिन्यू करना है यहाँ पे। तो आप इस तरीके से यहाँ से देख सकते हो कौन से पार्ट के ऊपर आपको कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, वो सब यहाँ पे हाईलाइट होके दिख जाएगा आपको। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई भी एक म्यूजिक उससे रिप्लेस कर सकते हो। पहले प्ले कर लेना इसको, जो भी म्यूजिक आपको ऐड करना है ऐड के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ रिमूव लिख के आ जाएगा और वो म्यूजिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो, अच्छा वहाँ पे इसको रख सकते हो, या तो स्क्रॉल डाउन ऐसे कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके लाइसेंस इनको भी देख सकते हो, रिमूव करना तो रिमूव यहाँ से कर सकते हो। ओके, डिस्कार्ड चेंज के चेंजेस कर देंगे यहाँ पे। आप चाहते हो कि आपके बाकी का सॉन्ग एज इट इज रहे, बाकी का वीडियो पूरा एज इट इज रहे और वो कॉपीराइट वाला पार्ट ही रिमूव हो जाए, तो वैसे भी जैसा भी करके आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसमें कंटिन्यू करोगे तो इस तरीके से वो वाला जो कॉपीराइट है वो हो जाए। और यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, इरेज सॉन्ग और म्यूट ऑल इन द क्लेम सेगमेंट। ओके, सॉन्ग को ही रिमूव करना चाहते हो या फिर सारे सेगमेंट को, मतलब कि आप बोल रहे हो वो भी, कोई आपने स्पेशल इफेक्ट लिए वो सब भी म्यूट हो जाएगा अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन करोगे। फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर सिर्फ सॉन्ग जो है आपका वही इरेज होगा। तो ऑलवेज आप इरेज अ सॉन्ग कर देना, रिमूव द क्लेम सॉन्ग इन द डिटेक्ट सेगमेंट वाइल कीपिंग अदर साउंड सच एज स्पीच। ओके, इस तरीके से करके आपको इसको सेव कर लेना है, तो आपका वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो रिमूव हो जाएगा एंड देन इरेज सॉन्ग कर देना है। वीडियो थोड़ा प्रोसेस में रहेगा, थोड़े टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली आपका जितना भी क्लेम था वो सब रिमूव हो जाएगा। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हो कोई भी वीडियो में से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर कर दें।